Hey guys, इन दिस वीडियो वी will डिस्कस द लेफ्ट लेफ्ट पॉइंट्स और लेफ्ट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग और पार्ट वन में हमने डिस्कस किया है स्टेटस प्लानिंग और कॉप्स प्लानिंग क्या होती है और कॉप्स प्लानिंग के कौन से ट्रेडिशनली जो उसके टाइप्स होते हैं उसको डिस्कस किया था हमने जिसमें था ग्राफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं क्योंकि ये कंबाइंड एक क्वेश्चन है लेकिन अगर मैं कंटिन्यू एक ही लेक्चर में करती तो ये थर्टी फोर्टी मिनट ले लेता और थर्टी मिनट में थोड़ा सा हो जाता है कि एक जो माइंड का या फिर जो गेनिंग का होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या फिर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं ज़्यादा वीडियो लेंथी ही में इसलिए नहीं करती नेक्स्ट है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग और पार्शियल प्लानिंग तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है कैसे लिखना है ये जो मैंने स्टार्ट किया था इससे पहले वाले पार्ट वन में तो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था तो इसमें मैं दोबारा से डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज आई नो दैट योर टाइम इज़ ऑल्सो प्रीशियस बिकॉज मेरे पास भी इतना नहीं है कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करूँ और मैं कोशिश कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा मीनिंगफुल कंटेंट प्रोवाइड करूँ नेक्स्ट है आपका ये जो पॉइंट है आपका कॉम्प्रीहेंसिंग प्लानिंग और पार्शियल प्लानिंग अब देखिए जो कॉम्प्रीहेंशिंग प्लानिंग होती है इट इज़ अ लैंग्वेज प्लानिंग इन विच बोथ स्टेटस एंड कॉप्स प्रॉब्लम्स आर टेकन केयर ऑफ इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका आ, हमने पढ़ा था इससे पहले की वीडियो में स्टेटस प्लानिंग और कॉप्स प्लानिंग ये दोनों प्लानिंग्स इसके अंदर आ जाती हैं ठीक है कॉप्स प्लानिंग भी और स्टेटस प्लानिंग भी अब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कोई भी कॉम्प्रिहशन क्या हम करते थे ना कॉम्प्रीहेंशन मतलब कोई भी चीज़ जो है वो एक लार्ज स्केल पर हो रही है तो इसीलिए इसके अंदर दोनों तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ली जाती हैं और उनके साथ डील किया जाता है टेक केयर का मतलब अब ये नहीं है वैसे तो हम बोलते हैं बाय बाय टेक केयर है ना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बट हेयर द मीनिंग ऑफ टेक केयर इज़ कि उन दोनों प्रॉब्लम्स को वो जो लैंग्वेज प्लानिंग में आती हैं उन दोनों को डील किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग और पार्शल प्लानिंग नेक्स्ट पॉइंट है इसका ग्लोबल प्लानिंग वर्सेस लोकल प्लानिंग एज द नेम सजेस्ट ग्लोबल प्लानिंग टेक्स केयर ऑफ मेजर सोशल साइकोलॉजिकल एंड इमो इमोशनल ऑफ लार्ज मासेस। अब जैसे ग्लोबल वर्ल्ड्स है ग्लोबल मीन्स कि यहाँ पे बहुत बड़े उसकी बात करिए बड़े लेवल की बात हो रही है जहाँ पे जो मेजर इश्यूज होंगे जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ग्लोबल लेवल पे जो भी होगा वो इसमें डील किया जाता है इस प्लानिंग के अंदर इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स पर ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप और स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअल की जो लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ डील की जाती हैं दैट इज़ इन लोकल प्लानिंग तो ग्लोबल में जो कि एक मेज़र सोशल साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज को देखा जाता है और जो आपका लोकल है वहाँ पे जो किसी भी इंडिविजुअल से रिलेटेड किसी एक इंसान से रिलेटेड या फिर किसी छोटे ग्रुप से रिलेटेड जो लैंग्वेज की प्लानिंग्स हैं उनके साथ डील किया जाता है या फिर ये उसकी टाइप्स हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड डी प्लानिंग तो देंट्रलाइज प्लानिंग मीन्स ऑल द प्लानिंग डन बाय देंट्रल गौरमेंट जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है इसका मतलब जैसे बोलते हैं ना सेंट्रल गोर्मेंट स्टेट गौर्मेंट तो जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है दट कम्पलीटली डन बाय देंट्रल गमेंट सेंट्रल गौरमेंट करती है ये जो प्लानिंग है और द सेंट्रल लेवल इट मे ऑल्सो इंक्लूड द एकडामिक्स एंड इंस्टीट्यूशन विच आर नाट पोलिटिकली कंट्रोल्ड बाय द गवर्मेंट और ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो सेंट्रल है वही रहेगा कभी कभी इसमें जो नॉर्मल जो इंक्लूड किया जाता है इसमें एकेडमिक या फिर किसी किसी इंस्टीट्यूट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है लेकिन उनके पीछे एक रीज़न होना चाहिए कि वो जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं या जो एकेडमिक लोग्स हैं जो पीपल हैं वो पॉलिटिकली इनोल्ड नहीं होंगे किसी भी गवर्नमेंट में वेन द प्लानिंग इज़ डन एट द लोकल अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडी इट्स सेट टू बी डी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और जब यही प्लानिंग कब होती है वैन द प्लानिंग इज डन एट द लोकल लेवल लोकल लेवल पर जब इस तरह की प्लानिंग होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडी तो इसको बोलते हैं डी सेंट्रलाइज प्लानिंग तो दो हैं सेंट्रल लेवल पे जो होगी जो कंप्लीट सेंट्रल लेवल पे डील करेंगे तो वो होती है आपकी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और जो एक लोकल लेवल पे डील करती है विद द इंफ्लुएंस ऑफ लोकल गवर्निंग बॉडी उसको बोलते हैं डी प्लानिंग इसमें बेसिकली समझने का ही या लिखने का ये है कि अगर आपको समझ में आ गया तो आप इसके लिए हाफ पेज भी लिख सकते हैं दो तीन लाइंस की मैं अगर बात ना भी करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका इंट्रेंसिक प्लानिंग और एक्सट्रेंसिक प्लानिंग और इसी में थर्ड भी दिया है इंट्रेंसिक कम एक्सट्रिंक्टिंग प्लानिंग मीन्स दिस वॉज सजेस्ट बाय श्रीवास्तवा इन नाइनटीन एटी सेवन ये हमारे लिंग्विस्टिक रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिम इंस्ट्रिंक्टिक प्लानिंग ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इंटरवल जैसे कि इसका नाम ही है इंटरेस्टिक मीन्स जो अंदर इंटरनल जो चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में दैट इज़ योर दिस एक्सटिंगटिंग में क्या आ जाएगा लैंग्वेज प्लानिंग इज कंसर्न प्राइमरली विद द फैक्टर एक्सटर्नल ऑफ लैंग्वेज कि जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है लैंग्वेज का वो इसके अंदर आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर आपका क्या हो गया आपका फैमिली इन्वॉमेंट आपका आसपास का एरिया आपका ऑफिस का इफेक्ट आपका जो कम्युनिकेशन हो गया उसकी बात हो गई ये ग्रामर्स में जो चेंजेस आ रहे हैं लोकल डायलेक्ट्स की वजह से कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो बाकी जितने भी एरियाज़ हैं दैट इज़ योर एक्सटर्नल पार्ट नो डायरेक्ट चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज टेक प्लेस अब ये भी बोला इन्होंने कि जो लैंग्वेज है उसमें कोई डायरेक्ट चेंजेस नहीं आते मतलब एकदम से कोई चेंज नहीं आते जो थर्ड पॉइंट है इसको बताया कि जो दोनों का मिक्स होके काम होता है कि किसी भी लैंग्वेज का जो इफेक्ट होता है वो हम पर पड़ता है इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी तो उस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया है नेक्स्ट पॉइंट इज एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो माइक्रो प्लानिंग इज़ कैरिड आउट ऑफ ए लोकल लेवल की जो लोकल लेवल पे एक प्लानिंग यूज़ की जाती है लैंग्वेज को लेके दैट इज दैट इज़ नोन एज माइक्रो प्लानिंग लोकल लेवल पे क्या जो एक शॉर्ट कम्युनिटी हो सकती है या फिर कोई विलेज हो सकता है इस तरीके से जब कोई प्लानिंग काम करती है लैंग्वेज की फील्ड में तो उसे बोलते हैं माइक्रो प्लानिंग नेक्स्ट इस मैक्रो प्लानिंग और ये क्या होता है माइक्रो प्लानिंग टेक प्लेस एज गवर्नमेंट लेवल अब जब गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्लानिंग हो जाती है एक कह सकते हैं बड़े लेवल पे प्लानिंग हो जाती है तो उसे बोलते हैं हम माइक्रो प्लानिंग और अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो इसके जो अगर मेन पॉइंट्स भी याद रहेंगे दैट इज़ माइक्रो और माइक्रो प्लानिंग तो इनसे भी आप लिख सकते हैं माइक्रो मतलब शॉर्ट लेवल पे जो प्लानिंग की जा रही है और माइक्रो मींस जो इसका लेवल जो है वो बड़ा है जैसे कि जो गवर्नमेंट लेवल पे कोई भी काम किया जा रहा है तो इसको बोलते हैं अब एक इम्पॉर्टेंट दी गई थी जिसमें तीन चीज़ों को इंक्लूड किया गया था और जिसे दिया था हरमन ने नाइनटीन में जिसका नाम है जो कि आप येलो बॉक्स के अंदर देख पा रहे होंगे दैट इज कॉप्स प्लानिंग प्रेस्टीज प्लानिंग और स्टेटस प्लानिंग इन्होंने इन तीनों प्लानिंग्स की बात की थी इन 1990 हरमन पर्पोज दिस टाइप ऑफ प्लानिंग जो हरमन हमारे लिंग्विस्टिक रह चुके हैं और इन्होंने लिंग्विस्टिक के फील्ड में बहुत काम किया है इन्होंने ये तीन प्लानिंग्स दी हैं स्पेसिफाई करके कौन कौन सी कॉप्स प्लानिंग प्रेस्टीज प्लानिंग और स्टेटस प्लानिंग ये बोलते हैं हिस थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन व्यू दैट द क्रूशियल रिलेशनशिप ऑफ वैल्यूज विच इज एसोसिएटेड विद बोथ स्टेटस एंड कॉप्स ये बोलते हैं कि जो इनकी थ्योरी थी जो इन्होंने एक थ्योरी दी थी और उसमें क्या बताया गया था एक रिलेशनशिप बताया गया था और रिलेशनशिप किसके बीच में दोनों के बीच में स्टेटस प्लानिंग और कॉप्स प्लानिंग के बीच में हैव नॉट बी कंसिडर्ड सीरियसली इन्होंने बात की कि ये जो दोनों का रिली रिलेशन है उसको लेकर इन्होंने कोई सीरियसली थॉट्स नहीं दिए और ना ही इन्होंने इनके ये जो दोनों का रिलेशन है कॉप्स प्लानिंग और स्टेटस प्लानिंग इन दोनों को कहा कि ये दोनों जो हैं हैव नॉट बी कंसिडर्ड सीरियसली इन दोनों को एक साथ तुम प्रॉपर तरीके से नहीं ले सकते या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इस बात के फेवर में नहीं थे कि कॉप्स प्लानिंग और जो स्टेटस प्लानिंग है वो दोनों एक साथ काम कर सकती हैं दे वर्क टुगेदर इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग क्योंकि अगर फेवर में होते तो ये इसके इसको कंसिडर कर लेते अपनी जो इन्होंने थ्योरी दी थी लेकिन उन्होंने इसको कंसिडर नहीं किया है जो कि शो करता है कि ये इसके फेवर में नहीं थे सो यू कैन राइट इट और आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें हमने प्रेस्टीज प्लानिंग को डिस्कस नहीं किया सो so सी जो प्रेस्टीज प्लानिंग है दैट इज़ यू नो रिलेटेड टू द स्टेटस प्लानिंग कि जो प्लानिंग होती है या जो स्टेटस लैंग्वेज होती है इसको आप लैंग्वेज के तरीके से भी देख सकते हैं जो स्टेटस लैंग्वेज होती है उसी को प्रेस्टीज मिली होती है सोसाइटी के अंदर तो ये एक ही बात है अगर इन्होंने पॉइंट्स में लिखा है क्योंकि हरमन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन नहीं आएगा क्वेश्चन हमें टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग से रिलेटेड आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि हरमन ने भी बात तो की है इनकी भी कॉप्स प्लानिंग होती है प्रेस्टीज प्लानिंग होती है और स्टेटस प्लानिंग होती है लेकिन इन्होंने इस चीज़ से डिनाई किया है कि जो कॉप्स प्लानिंग है और स्टेटस प्लानिंग है वो एक दूसरे का जो उनका रिलेशनशिप है वो इसको एक साथ कंसिडर नहीं करते और जबकि जो हमारे हिन्स क्लास थे और विलियम सेटवर्ड थे जिन्होंने इस पर बात की थी इसके पॉइंट्स दिए थे स्टेटस प्लानिंग के वो इसके फेवर में थे जो कि हमने पार्ट वन वीडियो में डिस्कस किया था इसके पार्ट्स को डिस्कस किया था जो कि दिया था हेंस क्लॉज और विलियम सेटवर्ड ने उसके पॉइंट्स क्या होंगे अगर आपको रिमाइंड हैं तो लैंग्वेज ऑरिजन डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन जुडिशियल स्टेटस और विटैलिटी इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो कि हमने इसके पार्ट वन जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो टू पार्ट्स में है पार्ट वन वहाँ है जो आपका स्टेटस प्लानिंग से स्टार्ट होती है आफ्टर दैट हमने उसमें कोर्स प्लानिंग को डिस्कस किया था और इसके टाइप्स को डिस्कस किया था